नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज की जो हमारी कंपनी है वो है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कल इस कंपनी में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिला था, लेकिन आज इस शेयर में थोड़ी सी रिकवरी होती हुई दिखी है। तो क्या ये रिकवरी सस्टेन कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी रिकवरी दिखाकर फिर इस शेयर में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिले? तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज इस कंपनी का हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे, यानी इसका फंडामेंटल देखेंगे और साथ के साथ टेक्निकल व्यू भी देखेंगे। टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए, यानी दोनों व्यू देखेंगे कि किस टर्म में ये शेयर को रखना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों, आज के क्लोजिंग की बात करें तो 232.55 रुपए पे आज इस शेयर ने क्लोजिंग लिया, जबकि अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो 207.25 रुपए, जो कि 14 अक्टूबर 2020 को कंपनी ने अपना लो बनाया था। 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो 280.75 रुपए, जो कि 7 जुलाई 2020 को कंपनी ने अपना हाई बनाया था। अगर आज के डिलीवरी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 57% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, जबकि क्वांटिटी की बात करते हैं तो 1,04,44,000 से ज्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। तो इस शेयर को खरीदने का एक और आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये शेयर अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है। अगर रिटर्न की बात करें तो एफडी से काफी अच्छा रिटर्न दे देता है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड भी देता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये शेयर ओवरबॉट जोन के पास नहीं है, लेकिन अगर बात करें रेड फ्लैग की तो कोई भी रेड फ्लैग भी एक्टिव नहीं है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो टोटल यानी कि सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपको ओके नजर आते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे में इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, कंपनी के अगर रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं पिछले 4 सालों का, तो आप देखेंगे 2018 से 2019 में इनका रेवेन्यू काफी तेजी के साथ ग्रो हुआ था, लेकिन उसके बाद 2019 से 2020 में थोड़ी गिरावट देखने को मिला और 2020 से 2021 में कंपनी को और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। जबकि अगर बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, 2018 में कंपनी ने 2.11,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, जबकि 2019 की बात करें तो आप देखेंगे 2.23,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, 2020 में 2.70,000 करोड़ का प्रॉफिट, और देखेंगे 2021 में तो 2.94। यानी कि इनका जो प्रॉफिट है वो आपको लगातार ग्रो होता हुआ दिखा है। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा बीच में कम होता हुआ दिखा है, लेकिन प्रॉफिट में कोई असर नहीं पड़ा है। प्रॉफिट अभी भी काफी तेजी के साथ ग्रो करता जा रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, कंपनी के अगर फंडामेंटल की बात करते हैं तो आप देखेंगे 34,852 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जबकि अगर बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड की तो आप देखेंगे 5.37%। यानी जितना आपको एक सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है उससे ज़्यादा तो ये कंपनी आपको डिविडेंड पेड कर देती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो अलग से आपको इस कंपनी में देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, बुक वैल्यू है 78.7 का। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 11.9 का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी है 113 का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा है ये शेयर। अगर वहीं डेप्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे 3,345 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। कैश की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें जो कैश है वो है 3,486 करोड़ का, ये काफी अच्छी बात है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, कंपनी के अगर और डिटेल की बात करते हैं तो आप देखेंगे ये कंपनी का ऑल टाइम चार्ट हमने लगा रखा है और ये कंपनी लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। हालांकि इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शेयर यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि अभी तक ये अपने अप ट्रेंड में चल रहा था तो आगे भी अप ट्रेंड में ही चलता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं और डिटेल। दोस्तों, कंपनी के अगर रिटर्न की बात करते हैं तो आप देखेंगे पिछले 3 महीने में यह कंपनी 5% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 1 साल की बात करें तो 8% से ज़्यादा, 2 साल में आप देखेंगे लगभग 2.5% तक करेक्ट हो चुका है, लेकिन 3 साल की बात करें तो आप देखेंगे 2.74% का रिटर्न देखने को मिला है। 4 साल 5 साल की बात करते हैं तो 4 साल में 7%, और वहीं बात करें 5 साल की तो लगभग आपको 70% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, 10 साल में 232% का रिटर्न। यानी कि रिटर्न का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम आपको इस शेयर में देखने को मिलेगा। अगर इसके करंट बात कर लेते हैं चार्ट के, तो आप देखेंगे चार्ट में कल इसमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिला, लेकिन आज वही कंपनी आज आपको रिकवर होता हुआ दिखा है, और रिकवरी के साथ साथ आप देखेंगे इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये जो रिकवरी है ये आगे भी सस्टेन कर सकती है ये कंपनी, लेकिन कहाँ तक सस्टेन करेगी, क्या टारगेट्स होंगे, कब कब कहाँ पहुँचेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके पहले टारगेट की बात करें तो 232.55 रुपए पर ये शेयर आज क्लोज हुआ है, तो ऐसे में इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो होगा 252 रुपए का। यानी कि जैसे ये 252 रुपए का लेवल तोड़ेगा उसके बाद ये इस कंपनी
आगे ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर 252 रुपये का टारगेट नहीं तोड़ता तो फिर क्या होगा? तो फिर इसमें फिर से अगेन गिरावट देखने को मिलेगा और ये शेयर 220 रुपये 215 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के गिरता है तो अगर यहाँ से संभलता है तो 252 रुपये का पहला टारगेट, उसके बाद 260 से 61-62 रुपये तक का दूसरा टारगेट और उसके बाद 280 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। तो दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है, चाहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, चाहे तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप होल्ड करें, वो आपका खुद का डिसीजन हो सकता है। लेकिन जो इसके टारगेट्स थे, जो इसके सपोर्ट्स थे, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आगे की प्लान कर सकते हैं। हालांकि रिकवरी होगी लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से इसका आपने रिटर्न का देखा कि 2 साल से ये कंपनी नेगेटिव रिटर्न देती हुई आ रही, तो ऐसे में कंपनी को रिकवर में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसे बनाने हैं तो जाहिर सी बात है शेयर को तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, और जिस शेयर को जितना आप टाइम देते हैं वो शेयर उतना ही पैसा बनाकर आपको देता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।